हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खोया गुलाब जामुन। तो चलिए देखते हैं हमें उसके लिए क्या-क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो मैंने ये लिया है खोया मावा, 400 ग्राम्स मैंने ये मावा लिया है। शुगर 2 कप शुगर लिया है मैंने, शुगर सिरप बनाने के लिए 2 कप, 235 ml। हाफ कप मैंने पनीर लिया है, 120 ml। 1/4 कप मैदा लिया है, ऑल पर्पज़ फ्लावर 60 ml, एंड इलायची पाउडर, ग्रीन इलायची पाउडर मैंने लिया है 1 टीस्पून, 5 ml। चलिए हम बनाने के लिए, सबसे पहले हम शुगर सिरप बनाएंगे। तो उसके लिए हम सबसे पहले पैन को भगोनी चढ़ाएंगे, उसमें हम अपना 2 कप शुगर डालेंगे एंड 2 कप वाटर डालेंगे। तो हम शुगर बनाने के लिए मैंने इसमें अब 2 कप शुगर एंड 2 कप वाटर डाला है। अब इसे हिलाएंगे हम जब तक ये बॉईल होना स्टार्ट नहीं हो जाता। जब तक हमारा शुगर सिरप बनकर बॉईल होना लगता है तब तक हम अपना डव तैयार करते हैं गुलाब जामुन के लिए। तो उसके लिए हम सबसे पहले खोया लेंगे। खोया में अपना ये पनीर मिलाएंगे। पहले इसको मिक्स करेंगे। इसको हम जब तक ये पनीर और खोया मिक्स नहीं हो जाता अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट बनाएंगे। इसमें मैदा हम बाद में डालेंगे, पहले हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सॉफ्ट बनाएंगे इसको। ये शुगर हमारा बॉईल होना स्टार्ट हो गया है। अब हम इस शुगर को थोड़ा क्लीन करेंगे। क्लीन करने के लिए हम इस शुगर में थोड़ा सा मिल्क डालेंगे। ये हमारे दूध डालने के बाद इसमें जो ये अपने ऊपर क्लीन करने के लिए आए हैं इसको हम साइड में निकाल देंगे। इससे हमारी चाशनी बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो जाती है, वाइट एकदम। हमारी चाशनी को हम थोड़ा सिंपल ही बनने देंगे और चाशनी ज़्यादा थिक नहीं होनी चाहिए। चाशनी को हम बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि हमारी चाशनी ज़्यादा थिक नहीं हो। ये चाशनी हमें जब तक बनानी है जब तक हमारा थोड़ा फिंगर इस तरीके से हैंड, 2 फिंगर हमारे ये चिपकने चाहिए। अभी हमारी चाशनी बनी नहीं है। ये हमने पनीर और मावे को मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें अपना मैदा मिक्स करेंगे। जो मैंने 1/4 कप मैदा लिया था अभी हम उसका हाफ ही मैदा इसमें डालेंगे। अगर हमें और लगेगा हमें और ज़रूरत है तो हम इसमें और मैदा डालेंगे। ये हमारा थोड़ा मिक्स कर लिया है। अब जो हमारा जो बचा हुआ मैदा था वो भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके सॉफ्ट बनाएंगे। ये हमारी चाशनी लगभग बन गई है तो हम इसे चेक करेंगे कि ये बनी या नहीं बनी। इस तरीके से इसमें एक तार निकलना चाहिए, इस तरीके से। तो हमारी चाशनी बन गई है। हम गैस बंद कर देंगे और इसमें जो हमारा इलायची पाउडर था उसको हम मिक्स कर देंगे और इस चाशनी को हम ढक कर रख देंगे ताकि ये गर्म रहे। ये हमारा डव पूरा मिक्स हो गया है। अब इसे हम थोड़ा और सॉफ्ट बनाने के लिए 1 टेबल स्पून मिल्क मिक्स करेंगे इसमें।
इसमें हम 1 टेबल स्पून मिल्क और मिक्स करेंगे। यह हमको देखना होता है कि इसको सॉफ्ट बनाने के लिए हमें कितना मिल्क चाहिए, क्योंकि थोड़ा ये जो मेरा डो है ये थोड़ा ड्राई मेरे को लग रहा था, तो हमें इसे सॉफ्ट बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून इसमें मिल्क यूज़ किया है। इस तरीके से हम इसको हाथ से मसल के, अच्छे से मसल के सॉफ्ट बनाएंगे इस तरीके से। ये हमारा गुलाब जामुन का डो तैयार हो गया है। ये ऐसे बिल्कुल सॉफ्ट हमने कर लिया है। कम से कम मैंने 15 मिनट इसको हाथ से मैश किया अच्छे से, ये इसको सॉफ्ट बना दिया है। अब हम इसे डीप फ्राई करने के लिए घी में इसको डीप फ्राई करूँगी, तो इसके लिए मैंने घी ले लिया है। अब इसको हम मीडियम फ्लेम पे ऑन कर देंगे। हमें घी ज़्यादा गर्म नहीं चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं चाहिए, बिल्कुल मतलब मीडियम हमें घी चाहिए ही। इस तरीके से हम अपनी गोलियां बना लेंगे हैंड को प्रेस करके। इसमें बीच में हमको लाइन नहीं दिखनी चाहिए, क्योंकि जब हम इसे डीप फ्राई करेंगे तो ये इसमें खुलने का चांसेस रहते हैं। इस तरीके से हम अपनी गोलियां तैयार कर लेंगे पूरी बनाकर। पहले हम इसको एक चेक करेंगे निकाल कर, तो हमारा ऑयल थोड़ा सा मीडियम हो गया है, तो हम इसे चेक करेंगे निकाल कर। ये फटना नहीं चाहिए, इसमें लाइन नहीं आनी चाहिए। हमने जो हमारा चेक करा था ये अच्छे से ब्राउन होने लग गया है, इसमें ये हमारा इसमें घी में बिखरा भी नहीं है, अच्छे से ब्राउन होने लग गया है ये। तो इस तरीके से हमारा डो बिल्कुल परफेक्ट बना है। और ये अगर ये फटने लग जाए बीच में से, तो हम इसमें थोड़ी सी मैदा और मिक्स कर सकते हैं। मैदा मिक्स करने के बाद आप उससे दोबारा से आपको उसको अच्छे से मथना पड़ेगा आटे को। तो इस डो को जितना ज़्यादा अपन हाथ से मथेंगे उतना ही अच्छा गुलाब जामुन हमारे सॉफ्ट बनेंगे। इस तरीके से देखिए हम इनको अपने बिल्कुल सिम पे डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरीके से हम अपनी गोलियां बनाकर गुलाब जामुन की डीप फ्राई कर लेंगे। आप अपने इच्छा के अनुसार अपनी साइज गुलाब जामुन की रख सकते हैं, छोटी या बड़ी, आपको जैसी भी पसंद हो। इस तरीके से हम अपने गुलाब जामुन निकाल कर चाशनी में डालते जाएंगे। गुलाब जामुन को हम हमारे गुलाब जामुन को बीच बीच में लाते रहेंगे। हमें जस्ट डालते ही इसको स्पून से नहीं लाना है, क्योंकि ये जब ये ऊपर आने लगेंगे थोड़े थोड़े हम इसको पलटेंगे। इसके बाद जो हमारा जो ये डो था गुलाब जामुन का, इसको अगर आप हाथ से नहीं मतना चाहें तो आप इसमें चॉपर भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने अपना चॉपर इसमें यूज़ किया था, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो गया है आटा और बहुत ही सॉफ्ट बन गया है। इस तरीके से हमारे ये गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। ये ऐसे गोल्डन होने तक, ब्राउन होने तक हम इसे डीप फ्राई, हम इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से हम हमारे पूरे गुलाब जामुन को डीप फ्राई कर लेंगे। ध्यान रहे कि फ्लेम ज़्यादा फुल नहीं होना चाहिए, मीडियम एम सिम के बीच में मैंने इसको डीप फ्राई किया है। और जो हमारे गुलाब जामुन निकले हुए हैं उनको हम हमारी चाशनी में डालते जाएंगे। इस तरीके से हमने हमारे सारे गुलाब जामुन फ्राई कर लिए हैं। हम हमारे सारे गुलाब जामुन पूरा चार कर लें। इन सबको हम अच्छे से गुलाब जामुन को डिप होने देंगे। हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी चाशनी गर्म रहनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए, ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। और कम से कम हम इन उस पूरे गुलाब जामुन को 3 घंटे तक एब्जॉर्ब होने देंगे अच्छे से।